तो लिखें यूनिट्स एंड डायमेंशन की लास्ट एप्लीकेशन है देखो थर्ड एप्लीकेशन है ठीक इट हेल्प्स टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन टू अनदर इट हेल्प्स टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर ठीक ये थर्ड एप्लीकेशन है यूनिट्स एंड डायमेंशन की. फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है जो वहां के लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर्स में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में. वो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहां सिस्टम ऑफ यूनिट को बोलते हैं एम के एस सिस्टम. सुना हुआ है? अब दूसरा कंट्री है जो कहते हैं हमारे यहां सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में. तो क्या बना? सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट. क्या ये पॉइंट क्लियर है? एम के एस और सी जी एस क्लियर है? एक और कंट्री है वो कहते हैं जी फीट में, पाउंड्स में, सेकंड में, एफ पी एस सिस्टम ऑफ यूनिट है. अब ये लोग इकट्ठे बैठ गए एक जगह इंटरनेशनल लेवल पे. अब बेंच का डिस्टेंस मेजर करना था. कोई कहता है जी 1 मीटर, कोई कहता है जी 100 सेंटीमीटर, कोई कहता है जी 3 फुट गए. और एक दूसरे को पता नहीं वो क्या यूज़ करते हैं. अब सारा टाइम वो तो उलझे रहेंगे कि तुमने बोला क्या. तो यानी कि हर बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें मेजरमेंट की जा सकती है. तो ये फैसला हुआ इंटरनेशनल लेवल पे कि जो एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट है इसको इंटरनेशनल लेवल पे फाइनलाइज किया गया और इसका नाम क्या दिया गया? SI. SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे बोल सकते हैं. तो ये स्टैंडर्ड बना गया. अब आज की डेट में आप फिजिक्स जहां मर्जी जाके कंट्री में पढ़ लो तो उनके डिस्टेंसेस आपने देखा होगा, पढ़ के भी आए हैं, मीटर्स में, केजीज में, सेकेंड में, न्यूटन में, जूल में. तो इस स्टैंडर्ड सिस्टम में मेजरमेंट की जाती है. ऐसा ही हुआ. अब इमेजिन करें कि चलो ये फैसला तो हो गया लेकिन फिर भी दो लोग मिल गए. एक बोला कि हमारे यहाँ जो फोर्स है उसको मेजर किया जाता है इन न्यूटन. दूसरा कहता है हमारे यहाँ मेजर किया जाता है इन डाइंस, न्यूटन एंड डाइंस. तो ये नहीं समझ पा रहे एक न्यूटन में कितने डाइंस हैं. अब वो आपने याद कर रखे 10 तक अलग बात है, 10^5 आंसर है, पर बैठ के टेबल पे कन्वर्ट कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा. तो आपका ये जो सिस्टम है जो MLT डायमेंशन एनालिसिस, ये हेल्प करेगा आपको. कैसे? आप कहोगे डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत नहीं है मेरे को. मैंने पूछा कैसे? आप बोले देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? फोर्स का फॉर्मूला, मास का मतलब अगर 1 kg है और एक्सेलरेशन 1 m/s² है तो फोर्स की वैल्यू क्या है? 1 kg/s² ये वैल्यू है. तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? न्यूटन. तो ये 1 N है. लेकिन अगर ये फोर्स की वैल्यू 1 kg/s² है और आप CGS में काम करना चाहें तो इसको ग्राम में कर लें, इसको सेंटीमीटर में कर लें अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू आएगी 10^5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर. और इसको क्या बोलते हैं? डाइंस. तो 1 N में कितने डाइंस आ जाएंगे? मतलब ये जो फोर्स चल रही थी 1 N थी पहले, तो 1 N को मैंने ये फोर्स क्या थी? 1 N थी, इसके इक्वल थी 1 N, इसके इक्वल है 1 N 10^5 डाइज हो जाएगा. ये ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है जो आप हमेशा फॉलो करते आए हैं. आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है.
पर क्योंकि आपके स्कूल के अंदर मेंशन किया जाएगा कि आप ऐसे ना करें, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला इसे प्रूव करें, एमएलटी 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 करके, वो अब हम करने वाले हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर क्वेश्चन में लिखा होगा कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इसे प्रूव करें, तो करें स्टार्ट। ठीक है यहां तक? तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आप ये लिखना शुरू करें, ये लो लिखें, क्वेश्चन है 1 न्यूटन में कितने डाइंस हैं, ये आपका क्वेश्चन है, यहां से लिखना शुरू करें 1 न्यूटन में कितने डाइंस हैं, ऐसे लिखें 1 न्यूटन क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI, और ये क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है, CGS। तो मेरे को SI से किसमें कन्वर्ट करना है, CGS। ठीक है यहां तक? ठीक है, इसमें ये जो नंबर है फर्स्ट 1 न्यूटन, लेट अस सपोज ये N1 है, और ये जो नंबर है ये मुझे निकालना है, तो एक N1 एक N2, इक्वल टू का इक्वल टू डालता हूं। एक चीज नोट करें, ये न्यूटन है, अगर न्यूटन यूनिट है इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा, तो मैं ये चाहता हूं कि नंबर यूनिट की जगह नंबर डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट की जगह क्या पुट कर दूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसी इस नंबर के आगे डाइंस की जगह क्या पुट करूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा क्वेश्चन फोर्स का ही आएगा, हाँ अगर फोर्स का आया तो पता है क्या पुट करूंगा, MLT-2, यहां पर भी MLT-2, लेकिन क्या पता कल को क्वेश्चन एनर्जी पे आ जाए, 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, प्रेशर पे आ जाए, स्ट्रेस पे आ जाए, पता नहीं किस पे आए, तो इन जनरल जो भी होगा यहां दो नंबर होंगे और यूनिट्स की जगह डायमेंशन फॉर्मूला होगा, तो इसमें जो भी होगा इसकी कुछ ना कुछ पावर तो होगी, जैसे अगर फोर्स है तो MLT-2, फोर्स नहीं है तो कुछ तो होगा, तो मैंने ABC पुट कर लिया। अब इंपॉर्टेंट यह है कि जैसे वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी में चाहे SI सिस्टम ऑफ यूनिट है चाहे CGS है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला तो हमेशा क्या रहता है, LT-1, इरिस्पेक्टिव कि SI या CGS है, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ऐसे ही अगर ये SI है और SI में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, CGS में भी पावर विल रिमेन सेम, फर्क तो पड़ेगा नहीं, चाहे SI लिखो चाहे CGS लिखो, पावर्स में कोई फर्क नहीं है, कोई डाउट इसमें, लिख दिया। फिर आप कहोगे अगर फर्क नहीं है तो काट दो ना, M को M के साथ, L को L के साथ, T को T के साथ। अब प्रॉब्लम ये है, मेरे को ये बताना है कि ये SI सिस्टम है और ये CGS है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 1 1 1 पुट कर लेता हूँ, 1 का मतलब सिस्टम यूनिट SI है, और यहाँ 2 पुट कर लेता हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट CGS है। तो अब ये बराबर हो गया N1 इंटू SI का डायमेंशन फॉर्मूला, N2 इंटू डायमेंशन फॉर्मूला जो CGS में है। मेरे को N2 निकालना है, N2 का फॉर्मूला ये बनेगा N1, ये पूरी टर्म को इससे डिवाइड कर दो, तो M1 बाय M2 रेज टू पावर A, L1 बाय L2 रेज टू पावर B, T1 बाय T2 रेज टू पावर C, तो N2 की ये वैल्यू आएगी। लिख लें, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये कैसे बना ये सिर्फ समझाने के लिए, आपसे कोई पूछेगा नहीं, आप सिर्फ ये फॉर्मूला नोट करें N2 और N1 का यूज कैसे करना है अभी समझाऊंगा। ठीक है यहां तक?
गुड आउट इसमें। अब इसको लगाना कैसे है वो समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन है, वन न्यूटन में कितने डाइंस हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर ये जो टर्म है ये क्या है, एन वन, ये टर्म क्या है, एन टू। आपको क्या निकालना है, एन टू। तो अब एक काम करें, जो लेफ्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्या है, एस आई, और राइट वाला क्या है, सी जी एस। तो अब एक काम करें, यहां लिखें एस आई, यहां लिखें सी जी एस, यहां लिखें एम वन एल वन टी वन एन वन, एम टू एल टू टी टू एन टू। इसमें एम वन का मतलब वन के जी, वन मीटर, वन सेकेंड, और एन वन की जगह वन, वन ग्राम, वन सेंटीमीटर, वन सेकेंड, और एन टू मुझे निकालना है। यहां तक लिखें, हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, जो गिवन है वो एस आई, जो निकालना है वो सी जी एस राइट पे, ऐसे लिखें। क्लियर है यहां तक? तो ये स्टेप क्लियर है। अब n2 निकालना है, तो n2 का फॉर्मूला लिखें, n2 इज n1 m1 m2 रेज टू पावर a, l1 l2 रेज टू पावर b, t1 t2 रेज टू पावर c। फॉर्मूला लिखें, वैल्यू पुट करें, n2 इज इक्वल टू, बोलो n1 क्या है, 1, m1 क्या है, 1 kg, m2 क्या है, 1 ग्राम, L1 क्या है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब क्या रह गया, ABC। देखो ABC क्या है, वो कैसे पुट करते हैं, इसको ध्यान से देख लें। देखो ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है, पहले ये बताएं, फोर्स न्यूटन और टाइम किस क्वांटिटी की बात हो रही है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू। तो इसमें जो m की पावर है वो a है, यहां पे m की पावर क्या है, वन, l की पावर क्या है, b, तो यहां l की पावर क्या है, वन, और c की पावर क्या है, माइनस टू। तो वन वन माइनस टू, तो m की पावर a होती है, l की पावर b होती है, t की पावर माइनस टू होती है। क्लियर है यहां तक? वैल्यू पुट करो, वैल्यू में N2 is equal to, ठीक है, N2 is equal to, N1 की जगह बोलो 1, ABC पुट कर दें, 1, 1, माइनस 2, 1 kg की जगह 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम रेज टू पावर 1, 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 1, 1 सेकेंड 1 सेकेंड रेज टू पावर माइनस 2, ग्राम से ग्राम गया गया। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू 1000 इंटू 100, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो आंसर क्या आ गया, 10 की पावर 5 इज द आंसर, यही आंसर आना चाहिए था। ABC किस क्वांटिटी की बात हो रही है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, एम की पावर ए, एल की पावर बी, T की पावर C, ये देखो A B C ऐसे लिख रहा है। काफी लोगों को मेथड वन पसंद आता है कि छोड़ यार मेथड वन ही ठीक था, आ रहा है ना, ठीक है। अभी रुको मैं आपको इस मेथड का कमाल की चीज दिखाता हूं, रुको। तो ये समझ में आ रहा है यहां तक?
क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ. क्वेश्चन है, 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं? ये मेरा क्वेश्चन है. 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, ये मेरा क्वेश्चन है. ठीक, देखो मैं करने क्या वाला हूँ, ध्यान से देखना. ठीक, ये देखो मैं इसमें ये करने वाला हूँ क्या कि इसमें ये बात किसकी हो रही है, एनर्जी की. ये बात एनर्जी की हो रही है, राइट? क्लियर है यहाँ तक? इसके अंदर 1 जूल में कितने अर्ग्स में ये नंबर क्या है N1, ये नंबर क्या है N2, N1 N2, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये सेम रखो, सेम रखो. किसकी बात हो रही है, एनर्जी की. एनर्जी की, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है क्या, ML(T-2). ये रहा फॉर्मूला. एम की पावर क्या है 1, एल की पावर क्या है 2, टी की पावर क्या है -2. एबीसी क्लियर है? ठीक, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस यहां पे चेंज कर रहा हूं. 1, 2, -2, 1, 2, -2. N2 विल बी इक्वल टू 1 × 1000 × 100 × 100 × 1. आंसर क्लोज. जितना सिर्फ रेड पेन चलाया है वही चेंज है. जो मर्जी क्वेश्चन दे दो, बस इतना ही चेंज है, बाकी सेम है. सही है? एसआई और सीजी इसमें सेकेंड ही होता है. एबीसी को पुट कर दिया, बाकी कैलकुलेशन है भाई सेम. तो 1000 raised to power 1000, 100 × 100 1. आगे तो पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? लिखने की जरूरत नहीं, मैं प्रिंटेड दिया मैंने आपको, अभी आ रहा है इसमें लिखा हुआ. मैंने जो प्रिंटेड शीट दिया उसमें आ रहा है, अभी लिखा हुआ है. मेथड समझ में आ रहा है, आपने क्या लिखना है ये देखो. आप इस क्वेश्चन को करो, ये लो क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, ये हटा रहा हूं मैं. ये देखो क्वेश्चन है कि एक टर्म है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये टर्म है. एक्सरसाइज सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹¹. ठीक, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसके यूनिट्स होते हैं. तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, ये क्या है, एसआई है. आपको बताना है कि इसके इक्वलेंट सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एसआई में ये वैल्यू है, सीजीएस में क्या होगी, सेम है, बस फर्क है N1 की जगह ये नंबर क्या माना जाएगा, N1, और हमें क्या निकालना है, N2. तो N1 की जगह क्या लिखेंगे, 6.67 × 10⁻¹¹. ठीक है, तो यहां से क्या करना है आपको, N2 की वैल्यू निकालनी है. लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बोलो क्या है, कैपिटल जी का, M(-1), L की पावर चेक करो 3, और T की पावर सही है चेक कर लो, यही है ना, क्योंकि ये गलत हो गया तो वो भी गलत हो जाएगा. तो A की वैल्यू क्या है, -1, B की वैल्यू क्या है, 3, C की वैल्यू क्या है, -2. पुट करें यहां पे, इसे पुट करो, पुट करके जरा चेक करो क्या आंसर आ रहा है. N1 की जगह N1 भी पुट करो, N1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 6.67 × 10⁻¹¹. 6.67 × 10⁻¹¹ ऐसे. और ABC पुट करें, इसकी जगह -1, इसकी जगह 3, इसकी जगह -2, चेक करके बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है. चेक करें आंसर क्या आ रहा है.
तो यहाँ तक क्लियर है? इसका आंसर क्या है बताओ? हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मेथड उतना बुरा नहीं है, बस इतना ही चेंज करना पड़ता है बाकी से। तक है देखो, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये स्कूल लेवल में आती है। कंपटीशन के अंदर ये एप्लीकेशन का कोई काम है नहीं, क्योंकि इतना लंबा एमएलटी लिखेगा कौन। हाँ, ये इसलिए करवाई क्योंकि स्कूल लेवल पूछता है। आप जब पहला टेस्ट देने जाएंगे स्कूल में, आपको ये आएगी, एप्लीकेशन आ सकती है। और कुछ ऐसे ट्रिकी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। देखो, आपको एक शीट मिली है, आप चेक करो, यूनिट्स एंड डायमेंशन की एक प्रिंटआउट मिला है, राइट? उसे ओपन कर लो। तो देखो, इस प्रिंटआउट में पहली चीज ये लिखी हुई है कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये आ जाता है स्कूल में लिखने को कि क्या कमी है डायमेंशनल एनालिसिस की, ये लिखो। स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन नहीं, नंबर मुझे पता नहीं। तो आप तीन इसकी कमियां लिख सकते हो, लिमिटेशंस। पहली, मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कॉन्स्टेंट के, तो ये मेथड डायमेंशनल कॉन्स्टेंट के बारे में नहीं बताता। नंबर टू, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री क्वांटिटी। याद है, तीन क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करता, चौथी में फेल हो जाता है। लास्ट, ये रिलेशनशिप उन क्वांटिटीज का नहीं बना सकता जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। आपने कोई क्वेश्चन किया जिसमें वी डिपेंड अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आया ही नहीं? आपने कभी सुना वी वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन लॉग रेज टू पावर या लॉग एक्स? वही नहीं, लॉग पे काम नहीं करता, ट्रिग्नोमेट्री पे काम नहीं करता, एक्सपोनेंट पे काम नहीं करता। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो तीन लिमिटेशन आई, तीन लिमिटेशन लिख देना। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट है, हमने थर्ड एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला किया, न्यूटन से डाइन की कन्वर्जन सीख ली, सेम कर लिया, जूल से अर्क्स की सीख ली, ये भी हो गया। अब ट्रिकी प्रॉब्लम ऐसे आ सकती है, क्वेश्चन आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ 60 जूल। जूल सुनते ही मैं खुश हो गया कि चलो ऐसा सिस्टम आ गया, पर मिनट मिनट सेकंड्स होना चाहिए था सेकंड, क्योंकि अगर ये सेकंड होता तो पूरा एसआई होता, बिल्कुल प्योर एसआई, क्योंकि जूल और सेकंड एसआई है, पर ये मिनट रह गया। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, पहले ठीक तरह एसआई कर लो। मिनट को 60 सेकंड लिखा तो क्या बना? जूल पर से। अब ये प्योर एसआई हो गया, जूल और सेकंड एसआई है। अब देखा जाए ये क्वांटिटी है क्या, उसे बताई नहीं, फोर्स है, पावर है, क्या है पता ही नहीं। यूनिट से पता लग रहा है, जूल पर सेकंड एनर्जी अपॉन टाइम पावर है, तो ये क्वांटिटी पावर की बात कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 जूल पर सेकेंड या 1 वॉट। क्लियर है यहां तक? तो वो कह रहे हैं 1 जूल पर सेकेंड को कन्वर्ट करो किसमें? एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में, सीजीएस में नहीं, सीजीएस में नहीं, एक नया ही सिस्टम ऑफ सीजीएस यूनिट है जिसमें जिसके अंदर कम से कम मास 1 ग्राम मेजर नहीं किया जाता, 100 ग्राम मेजर किया जाता है, 100 सेंटीमीटर मेजर किया जाता है, 1 मिनट मेजर किया जाता है। तो मुझे जो गिवन है वो एसआई गिवन है, मेरे को नया सीजीएस बनाना है। सीजीएस तो नहीं कहेंगे, सीजीएस और न्यू सीजीएस या कुछ भी न्यू सिस्टम लिखना चाहिए मुझे, एक न्यू सिस्टम बनाना है। क्योंकि सीजीएस में तो ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड होता है ना, तो इसमें क्या है, 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट। तो एक काम करो, इस 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सेकंड से सेकंड मुझे कट भी करना होगा, तो इसको 60 सेकंड पुट कर दिया। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को N2 निकालना है और N1 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 1, क्योंकि जब एसआई में कन्वर्ट किया तो ये टर्म क्या आई, 1। तो नंबर N1 1 है, N2 निकालना है। फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में N1 की वैल्यू क्या पुट की, 1, मास 1 kg, 100 ग्राम, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 60 सेकेंड, ये पुट कर दिया, 6 की 6 वैल्यूज पुट कर दी। क्योंकि बात पावर की हो रही है, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पता है, ये ए, ये बी और ये सी भी आ गया, तो पुट कर दिया पावर से, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, केजी को ग्राम में कन्वर्ट, मीटर को सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड तो कट ही गया, तो ये कट गया। यहां से कटिंग करो, कटिंग करके आंसर आ रहा है 2.16 × 10 की पावर 6 यूनिट्स।
उसने यूनिट्स लिखा, क्योंकि नया सिस्टम सीजीएस है ही नहीं, तो नए सिस्टम के अंदर पता नहीं क्या यूनिट बनेंगे, तो अकेला यूनिट लिख देंगे तो भी चलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? लॉजिक समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि एसआईसी सीजीएस ही बनेगा, आपको एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट भी क्रिएट करके दे सकता है। सही समझ में आ रहा है? जैसे फिर से देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ 100 जूल। अब 100 जूल प्योर एसआई है, 100 जूल को कन्वर्ट करना है किस में? एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसके अंदर 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम और हाफ मिनट फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो यानी कि एक तरफ तो एसआई है और N1 की वैल्यू क्या है, 100 है, और एक तरफ नया सिस्टम ऑफ यूनिट है 250 ग्राम, 20 सेंटीमीटर, हाफ मिनट का मतलब 30 सेकेंड, और मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंगली N2 निकालना है। तो समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? N2 की वैल्यू लिख ली, N1 की वैल्यू पुट कर दी, kg को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, पावर पुट कर दी। इसमें पावर क्या, क्योंकि 20 जूल है, जूल का मतलब वर्क डन है, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ML2T-2, ABC पुट कर दिया। इस ABC को यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्व किया, सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे वो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करेगा? ठीक है, और ये समझ में आ रहा है कि मैं अपने लेक्चर का टाइम कैसे सेव कर लेता हूँ? लिखवाऊंगा तो आपका लेक्चर पूरा हो जाएगा, इतने में लिख भी नहीं पाओगे इतना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट, ये मैं आपको बुकलेट बना के दूंगा, ये आज की शीट है, 3-4 दिन में किताब आएगी नेक्स्ट वीक, उस बुकलेट में सारा स्पायरल होगा, तो आप ये फेंक देना चाहे कोई दिक्कत नहीं, उसमें पूरा एक एक शीट लगा के दूंगा, क्योंकि आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है 2 साल की जर्नी में। ठीक है यहाँ तक? तो व्हेन 1 मीटर kg मिनट आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, तो बोलो ये ऐसा है कि नहीं? उसने कहा फंडामेंटल यूनिट 1 मीटर है, केजी है और 1 मिनट है, क्या ये ऐसा है? नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड, तो ऐसा ही नहीं है, पता नहीं कौन सा यूनिट है, तो मैंने लिखा ही नहीं, बल लिख दिया 1 kg, 1 मीटर, 1 मिनट। कह रहा है ये जो सिस्टम है, इस नई दुनिया के सिस्टम में फोर्स को, फोर्स की वैल्यू 36 यूनिट है। अगर ये ऐसा ही होता तो पीछे न्यूटन लगा होता, उसको खुद नहीं पता क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो उसने क्या लगा दिया, यूनिट। तो N1 की वैल्यू कितनी है, 36। क्या करना चाहते हो, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन सीजीएस, तो प्योर सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो वैल्यू पुट कर दी, N2 निकालना है, क्योंकि बात फोर्स की हो रही है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ML T-2, M की पावर 1, L की पावर b, और ये c, वैल्यूज पुट करें, 36 N1 है, केजी को कन्वर्ट करो मीटर को और मिनट को सेकंड में, सॉल्व करो आंसर, क्योंकि ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेकंड तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 60 रेज टू पावर -2 है, तो 1/60 × 60 डिनोमिनेटर में आएगा आंसर। अब मैं टाइम लिख सकता हूं, क्योंकि नया सिस्टम यूनिट प्योर सीजीएस है। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है? खत्म।